हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अ कोनिकल मिलिट्री टेंट इज 5 मीटर हाई। एक आपका कोनिकल मिलिट्री कैंप है जो 5 मीटर हाई है। एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मींस 12 इधर 12 इधर। ये आपका हो गया 24 मीटर। ऐसे कुछ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस यूज इज मेकिंग द टेंट एट द रेट ऑफ ₹14 पर स्क्वायर मीटर। मतलब कि आपको अगर ये टेंट बनाना है तो उसके लिए कितना अमाउंट आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस। हाँ, तो आपके कैनवस की कॉस्ट क्या होगी कि आप एक टेंट ऐसे ही फॉर्म कर सके। अब देखिए, अगर हम लोग टेंट फॉर्म करेंगे उसके लिए किस एरिया के थोड़े एरिया में, अगर हम लोग इस कर्व सरफेस एरिया को देखें तो वही कर्व सरफेस एरिया। ऐसे सिंपल समझे कि आपको एक क्लॉथ दिया गया, उस क्लॉथ से कहा गया कि आपको ये टेंट बनाना है, तो वो क्लॉथ कितने अमाउंट ऑफ क्लॉथ की जरूरत होगी जिससे आप क्या करें एक टेंट बना सके। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे वहां पे रुपए से मल्टीप्लाई करके उसका अमाउंट निकाल लेंगे। अब देखिए, अगर हमें इसे बनाना है तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें कर्व सरफेस की, क्योंकि जो टेंट होगा उसका शेप कोनिकल है और कर्व सरफेस की जरूरत पड़ेगी। तो कर्व सरफेस एरिया इसका हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। हमें आर के बारे में पता है कितना है 12 सेंटीमीटर, एच के बारे में पता है 5 सेंटीमीटर, एल के बारे में कुछ पता नहीं है। तो हमें पता है फॉर्मूला लेंथ टाइड इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये हो जाएगा आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मींस रूट ओवर 144 प्लस 25 169, और ये आएगा 13 सेंटीमीटर। अब हमें एल भी पता चल गया, एल कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। एक मिनट, सॉरी, सब मीटर में है। तो आपका एल भी आ गया 13 मीटर। यहां से हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, पाई आर मींस 12 एल मींस 13, ये आपका कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू 13। हो जाएगा 22 × 7 × 156 हो जाएगा, क्योंकि इसे हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। ये हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया। तो इसे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यह हमारा 3432/7 cm² कर्व सरफेस एरिया हमारा आ गया। मतलब इतने एरिया की हमें जरूरत पड़ेगी टेंट बनाने के लिए। अब फिर हमें कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट में क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमें कितने रुपए पे करना पड़ रहा है, 14 रुपए पे करना पड़ रहा है 1 मीटर के लिए। अगर हम लोग 3432/7 मीटर स्क्वायर यूज करें तो उसके लिए कितना रुपए के यूज करना पड़ेगा 2/7 × यहां से कैंसिल हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 64 68। तो इस पूरे कैनवस को बनाने के लिए हमें कितना अमाउंट की जरूरत पड़ेगी 6864 रुपीज। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। अ हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर, अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाई अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। If the volume is 1/27th of the volume of the given cone, at what height above the base is the section made? मतलब फिगर से हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास एक कोन था, ये हमारे पास एक कोन है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर है और इसके रेडियस के बारे में कोई पता नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है
कैपिटल आर है। फिर क्या करते हैं हम, यहीं कहीं इसी के बेस के पैरेलल से हम लोग इसे कट कर देते हैं, तो जो ये जो कटा हुआ पोर्शन है वो भी क्या होगा, वो भी एक कोण होगा आपका। इसे हम अलग से बना देते हैं यहाँ पे, ये हाइट, इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं, ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट h होगी, हमने ये अज्यूम कर लिया ये हाइट h है। इस कोण का, स्मॉल कोण का रेडियस मान लेंगे हम लोग क्या है, स्मॉल r है। अब देखिए हमें दोनों कोण के बारे में बेसिक डिफिनेशन मिल गई, इस कोण का रेडियस जो है वो कैपिटल r, इस कोण का रेडियस स्मॉल r, इसकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है h। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बेस से कितने दूर पर, मतलब कि अगर हम बात करें ये यहां इस डिस्टेंस की, तो ये कितना होगा 30 माइनस h, मतलब कि बेस से कितनी ऊंचाई से हमने कोण क्या किया है, इस कोण को कट किया है, हमें ये 30 माइनस h की वैल्यू बतानी है। तो यहां पे एक रिलेशन भी दिया है कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोण इक्वल टू 1/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिगर कोण, मतलब कि छोटे कोण का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर होगा 1/27 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू 30, एच की वैल्यू 30 यहां पे है, इंटू 1/3 भी होगा सॉरी, अब 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए इसे अगर कैंसिल करें 10 और 9, 3 से कैंसिल, 3 10 जा 30, 3 9 जा 27। अब हम लोग क्या करिए, आर स्क्वायर को इस साइड ले आई, तो आर अपॉन आर का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9/10 एच, ये हो जाएगा, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब अगर बात करते हैं तो हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, नाम दे रहे हैं हम लोग ए बी सी पी क्यू सी। अब देखिए दो ट्राइंगल हमारे पास है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के और दोनों बराबर होंगे 90 डिग्री के, ये एंगल ए और एंगल पी भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। अब दो एंगल आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो तीसरा एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, या फिर कहें एंगल सी आपका कॉमन हो गया, इक्वल भी हो गया, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 30/H, ये हो जाएगा, या फिर सॉरी 30 नहीं पूरा लिखते हैं, BC/QC। अब देखिए AB कितना है, AB हमारा है कैपिटल R अपॉन स्मॉल R इक्वल टू BC कितना है, BC आपका कितना है, BC 30 अपॉन, और क्यू से सी कितना है, क्यू से सी मतलब कि हमने क्यू से सी ये माना है, ये हमारा एच है। अब देखिए इसे इतना रेज कर देते हैं इस साइड, ये हमें दूसरा इक्वेशन मिलता है। हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, मींस आर अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 30 अपॉन एच का होल स्क्वायर।
अब देखिए आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें यहां पे पता है कितना है, 9h/10 मींस 9h/10 जो होगा वो बराबर होगा आपका 900/h² के। इसका क्लियर हो गया। अब देखिए 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h³ बराबर आएगा आपका 1000, h बराबर हो जाएगा आपका 10 मीटर में था। यूनिट आपकी किसमें थी, यूनिट आपकी सेंटीमीटर में थी, एक मिनट, हाँ यूनिट सेंटीमीटर में थी सॉरी। तो ये आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें हाइट तो चल गई 10 सेंटीमीटर, ये तो पता चल गया, ये 10 सेंटीमीटर टॉप से पता चलेगी, टॉप से 10 सेंटीमीटर नीचे से ये कोण को हमने क्या किया था, कट किया था। हमें क्या बताना है, हमें बताना है 30 - h की वैल्यू। तो 30 - h कितना आएगा, 30 - 10 इक्वल टू कितना आएगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम, तो आपका आ गया 20 मीटर फ्रॉम बॉटम। तो 20 सेंटीमीटर नीचे से ऊपर की तरफ जाके हम लोगों ने क्या किया था, इस कोण को कट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक कोनिकल कप इज फॉर्म्ड बाय बेंडिंग अ सेमी सर्कुलर शीट, मतलब कि एक सेमी सर्कुलर शीट थी ऐसे कुछ जिसका डायमीटर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। इससे हम लोग क्या करते हैं, एक कोण बनाते हैं। देखिए इससे जो कोण बना, तो कोण के डायमेंशन तो हमें पता ही नहीं है, ना तो हमें इसका रेडियस पता है, ना हमें इसकी हाइट पता है, ना इसकी लेंथ हाइट। तो अगर हम लोग इसे ध्यान से देखें, जो हमारा सेमी सर्कल था, ये हमारा सेमी सर्कल था ऐसे ही था, हमने क्या किया इसी से क्या किया कोण बनाया। अब देखिए ध्यान से बहु फिर से देख 20 सेंटीमीटर का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ कोनिकल कप इज फॉर्म बाय अ बेंडिंग अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कप। हमारे पास क्या था, हमारे पास एक सेमी सर्कल था जिसका डायमीटर कितना था 28 सेंटीमीटर, इसी को हम लोगों ने क्या किया बेंड करके एक कोण बनाया। ये हमारा कोण हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें कोण की डायमेंशंस पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग इस सेमी सर्कुलर शीट से देखेंगे कि कोण के डायमेंशन क्या क्या होंगे। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा शीट था, अगर इतने की बात करें सिर्फ इतना, ये 14, ये क्या हमारा होगा रेडियस होगा। अब देखिए जब हम इससे कोण बनाएंगे, कोण ऐसे बनेगा कुछ इस फॉर्म में, तो ये जो रेडियस था वो कोण बनाने के समय क्या हो जाएगा, वो कोण बनाने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो इसकी स्लेंट हाइट हो जाएगी। मतलब कि रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू स्लेंट हाइट ऑफ कोण, मतलब कि 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा एल, एल कितना आ गया 14 आ गया 14 सेंटीमीटर। अब देखिए अब इसे क्या कहते हैं, ये पोर्शन, ये आपका क्या होता है, अगर ये सर्कल होता है इसका सर्कमफ्रेंस होता, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, Thank you.
ये सरकमफ्रेंस, जब ये कोण बनेगा तो इसका जो बेस होगा उस बेस का जो सरकमफ्रेंस होगा उसके बराबर हो जाएगा। मतलब कि मतलब ये वाला पूरा पोर्शन, ये पोर्शन जो मैं मार्क कर रहा हूं, यही क्या होगा, इसके बराबर होगा। ऐसे देखिए, ये पोर्शन इधर दिख रहा है, इससे जब हम कोण बनाएंगे तो ये वाला पोर्शन पूरा ऐसे कुछ हो जाएगा, ये पोर्शन। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, पूरे सर्किल का 2πr होता है, ये कितना होगा, पाई आर। ये बराबर होगा आपके कितने के, 2π रेडियस ऑफ कोण। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल कट गया, बचा आर। आर मतलब इसका रेडियस कितना है, 14 इक्वल टू 2rc। यहां से हम इसे क्या कर दे, कैंसिल कर दे तो 7 आ गया, तो आर बराबर कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। आर की वैल्यू पता चल गई कितना, 7 सेंटीमीटर। हमें आर मिल गया, और क्या मिल गया हमें, आर मिल गया, लेंथ हाइट मिल गया, हमें हाइट नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाएंगे, या फिर हम लोग फॉर्मूला लगाए, हमें पता है लेंथ हाइट, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एच बराबर क्या होगा, रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए रूट ओवर एल स्क्वायर कितना है, 14 का स्क्वायर माइनस आर कितना है, 7 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 196 माइनस 49 से सब्सट्रैक्ट करिए, कितना आएगा, ये आएगा 7, और 7 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया, सॉरी 14 हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब देखिए हमारे पास हाइट हमें मिल गई कितनी, 2/147। अब क्या करते हैं, अब देखिए यहां से हम लोग हाइट को कितना लिख दे, हाइट इक्वल टू इसे लिख दीजिए 49 × 3। तो ये एच इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, रूट ओवर इसे कितना लिख देंगे, 49 का स्क्वायर 7√3। तो यहां से जो आपकी हाइट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 7√3। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या पता चल गया, अब देखिए हमें सारी चीजें पता चल गई हैं, हमें पता चल गया है रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 7√3, और लेंथ कितना है, सॉरी लेंथ नहीं, स्ट्रेंथ पैक कितना है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम। अब वो कोण है तो कोण का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कप इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां से देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 1/3 × 22/7 × r means 7 × h, एच मतलब 7√3। अब देखिए कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा 49 × 22 अपॉन √3 से इसे कैंसिल कर दीजिए, √3 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, √3। अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे 22.3 m³ मीटर में था आंसर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 622.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस इसके डायमेंशन से हमको कोण के डायमेंशन फाउंड करने थे। जैसे ये वाला आपका जो रेडियस था वही आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हाइट होगा। ये पेरीमीटर को हम लोग इक्वल कर देंगे किसके, इसके सर्कमफ्रेंस के। उसके बाद सिंपली स्लेंट हाइट हम लोग निकाल लेंगे, स्लेंट हाइट जैसे आ जाए, सॉरी स्लेंट हाइट का फॉर्मूला यूज करके हम लोग हाइट निकाल लेंगे, फिर सिंपल हम लोग फॉर्मूले में रख लेंगे और हम अपना वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
A right rectangle triangle with side 12 cm and 5 cm revolve about its hypotenuse point volume of the solid obtained. मतलब कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग इस फॉर्म में बना लेते हैं. ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी. अब देखिए यहां पे हमें पता है साइड्स, मतलब हाइपोटेनियस कितना गिवन होगा हमारा 12 है, और जो बेस है, बेस आपका कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है. अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 12 आपका हाइपोटेनियस होगा और 5 क्या होगा बेस होगा. अब क्या करते हैं हम इस साइड को क्या करते हैं, ये एसी जो है ये हमारी हाइपोटेनियस इसी को फिक्स करते इसको हम रोटेट कर देते हैं. तो रोटेट करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, जो नया फिगर हमें फाउंड होगा वो कुछ जो नया फिगर हमें फाउंड होगा वो कुछ इस टाइप का फिगर होगा. ये फिगर अगर आप देखें तो कुछ ऐसे दिखाई देगा कि एक आपका कोण ऐसे है, फिर आपका एक छोटा सा कोण यहाँ पे है. ये फिगर ऐसे है. आपको क्या करना है, इस फिगर का वॉल्यूम निकालना है. लोग मार्क कर देते हैं O, इसे नाम दे देते हैं P. अब देखिए हमें वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास दो कोण है, एक कोण ये है और एक ये छोटा वाला कोण, दो कोण है. अगर दोनों कोण का हम लोग वॉल्यूम निकाल के ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा. पर उसके लिए हमें पता होना चाहिए रेडियस, रेडियस पता ही नहीं है हमें. क्या क्या पता है हम लिख देते हैं, हमें पता है एबी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. अब देखिए एसी क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा रूट होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. मतलब कि एसी हमारी हाइपोटेनियस हो गई, ये हो जाएगी रूट होगा 144 और 15 169 और ये हो जाएगा 30. मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर है. अगर हम कहें कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी है स्मॉल एच है और ये डिस्टेंस क्या है कैपिटल एच है, मतलब जो हाइट ऑफ बिगर कोन वो क्या है कैपिटल एच है, हाइट ऑफ स्मॉल कोन वो क्या है स्मॉल एच. और हमें यह भी पता है कि दोनों हाइट का सम किसके बराबर है 13 के बराबर, ये हमें पता है. अब अगर हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में अगर हम लोग इसका एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, मींस हाफ ऑफ बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा यही होगा. राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, 5 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 12, ये कैंसिल हो गया 6, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारा कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम लोग फिर से एरिया ट्रायंगल निकालते हैं, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. अब अगर हम लोग ट्रायंगल ऐसे लेते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं एबीसी, बी आपका ये है, ए है, ये सी है, हाफ ऑफ बेस ये हो जाएगा एसी इंटू ओ पॉइंट था, ओ भी हमारा क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा. यहां पे हम लोग लिख देते हैं कि ओ भी जो हमारा है वो क्या है रेडियस है, जिसे हम लोग स्मॉल आर लिख रहे हैं.
यहां से क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एसी मींस 13 इंटू आर, तो ये कितना आ जाएगा 13/2R। अब देखिए ये भी एरिया दोनों एरिया क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, इक्वल कर देते हैं तो 30 = 13/2R हो गया। यहां पे R इक्वल टू कितना आ गया 60/13। हमें रेडियस मिल गया इसका बड़े वाले कोन का, और वही उसी का बेस क्या है, छोटा वाला भी कोन का बेस और बड़े वाला कोन का बेस एक है, मतलब ये रेडियस जो होगा ये किसके लिए होगा, फॉर बिगर कोन, या फिर लिख दें फॉर बोथ कोन, दोनों केस के लिए रेडियस क्या होगा, यही होगा। अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालें वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। तो बड़े वाले वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 πr² कैपिटल H ये वाला कोन प्लस 1/3 πr² H। यहां पर देखिए 1/3 πr² कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या H प्लस H। अब देखिए 1/3 × 22/7 × r² का मतलब क्या हो गया 60/30 × 60/13 × कितना हो जाएगा, ये r प्लस r कितना आया था 13 आया था, कैंसिल कर देते हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो गया 10 आ गया। अब देखिए कितना हो जाएगा 22 × 60/91, ये कितना हो जाएगा 91। इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉरी यहाँ पे 20 होगा, एक मिनट फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं 1/3 × 22/7 × r² × 16/30 × 16/13 × 13 × 13 कैंसिल हो जाएगा, 3 ये कैंसिल होगा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा, फिर देखिए ये हो जाएगा 22 × 1200 upon, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1200 upon 13 π cm³। यहां से ये आपका आंसर आ गया, इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं पाई की वैल्यू रख के। लोगों ने सिलेंडर और होलो सिलेंडर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, आगे हम लोग स्फीयर पढ़ेंगे और स्फीयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।